हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं वीडियो पर मेगा K27 सॉफ्ट जेल कैप्सूल की जानकारी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें दवा की पूरी जानकारी के लिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम मेगा K27 कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। इसमें CCM, कैल्शियम, विटामिन K27 और ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA, DHA और मिथाइल कोबालामिन है। इसका प्रयोग विटामिन के की कमी, आहार की कमी और थक्कारोधी दवा की अधिक मात्रा या फिर रक्त के थक्कों की समस्याएं, जिगर के रोग और बाधक पीलिया जैसी बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण और रोकथाम, साथ ही सुधार के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं, अनिर्देशित उत्पादों जैसे कि एलर्जी या पहले से मौजूद बीमारी या वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति जैसे गर्भावस्था या फिर आगामी सर्जरी के बारे में जानकारी जरूर प्रदान करें। कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां दवा के दुष्प्रभावों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना सकती है। चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार ही दवा का सेवन करें, साथ ही उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन भी करें, और खुराक स्थिति पर आधारित होती है। साथ ही यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है या हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। और यदि आप विटामिन K27 के साथ एक ही समय पर अन्य दवाओं या अनिर्देशित उत्पादों का सेवन करते हैं तो यह दवा का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। यह दुष्प्रभावों के प्रति आपके जोखिम को बढ़ा सकती है या इसकी वजह से दवा अच्छी तरह से काम न करें। इसलिए उन सभी दवाओं, विटामिनों और हर्बल सप्लीमेंट के बारे में अपने चिकित्सक को ज़रूर बताएं जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही यदि किसी गुर्दे की बीमारी या जिगर की बीमारी है तो इस दवा को न लें या डॉक्टर उचित समझें तो ही आप इस दवा का सेवन करें। इस दवा को विटामिन की कमी और आहार की कमी के लिए प्रयोग किया जाता है। इस दवा के और भी प्रयोग होते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का प्रयोग ना करें। और कुछ दवाओं को धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत होती है या उन्हें तुरंत बंद नहीं किया जा सकता। अपने शरीर स्वास्थ्य और आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य दवाओं के अनुसार सुझाव पाने के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। निर्देशित खुराक से ज़्यादा का सेवन न करें। ज़्यादा दवा के उपयोग से लक्षणों में सुधार नहीं होगा बल्कि इससे गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर यदि आपको पता है कि किसी व्यक्ति की स्थिति आपके समान है या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बीमारी आपके जैसी है तो कभी अपनी दवाएं दूसरे लोगों को न दें, इससे साइड इफ़ेक्ट के खतरे बढ़ सकते हैं। सामान्य तौर पर इसे केवल रात को ही इस दवा का प्रयोग करने के बारे में कहा जाता है। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली मेगा K27 सॉफ्ट जेल कैप्सूल की खुराक होती है। याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग और दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु और रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर इस दवा की खुराक भी अलग हो सकती है। विटामिन K27 का प्राथमिक उपयोग हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में होता है। यह हड्डियों के द्रव्यमान और घनत्व के नुकसान को रोकने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही रजोनिवृत्ति हड्डियों से कैल्शियम और अन्य खनिजों के नुकसान का कारण बनती है। इस प्रकार
स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए उचित कैल्शियम का स्तर महत्वपूर्ण है। कैल्शियम और विटामिन K2-7 हड्डियों के घनत्व को सुनिश्चित करने और ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए एक साथ काम करते हैं। वे हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं और हड्डी के निर्माण की प्रक्रिया को भी बढ़ा देते हैं। वे हृदय गति में भी सुधार करते हैं। लेकिन फ्रेंड, आपको यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे आकार में रखने के लिए इस पूरक का सही मात्रा ले रहे हैं।